मैं हूं निशु दुबे, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। तो मोर छत्तीसगढ़ के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर। तो राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं का जिक्र करते हुए ढेबर और गोबर की बात कही थी, जिस पर क्षेत्रीय विधायक बृहस्पत सिंह ने करारा जवाब दिया है। बलरामपुर विधायक बृहस्पत सिंह ने कहा कि राम विचार नेताम के दिमाग में ही गोबर भरा हुआ है, इसलिए ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि नेताम भाजपा के कदावर है, इसके बावजूद संगठन ने उन्हें दरकिनार कर दिया है। अब ईश्वर ही उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि जनता के लिए अच्छा कार्य कर सके। बन गया ढेवर का ब्रांड गोबर और पालर और दारू खोद रहा है, कोई भी निकाल रहा है, किसका है भैया? तो या तो ढेवर का है या यहाँ के गोबर का है। इनके दिमाग में जो है, इतने साल करने के बाद भी अगर बुद्धि नहीं आई और इनके दिमाग में अगर गोबर ही भरा हुआ है, तो इसको से यही प्रार्थना करो, इनके दिमाग से गोबर को निकाल के इनको सद्बुद्धि दे दे ताकि जनता के लिए अच्छा काम कर सके और अच्छा बोल। इसको अनुसूचित जनजाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, और इतने बड़े ओहदे में रहने के बाद भी, सारे चीज करने के बाद भी इनकी इनमें कोई सुधार नहीं आया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के सारे पदों से उनको हटा दिया है। छत्तीसगढ़ की तकनीकी शिक्षा और रोजगार सचिव और बेमित्रा जिला के प्रभारी सचिव रीता सांडीले बेमित्रा में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्तावित प्रदेशव्यापी विधानसभा स्तरीय दौरे के संबंध में की जा रही तैयारियों की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सचिव ने सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। तो बेमित्रा जिले के प्रभारी सचिव रीता शांडिल्य जिला मुख्यालय बेमित्रा में संचालित सी मार्ट का अवलोकन किया और महिला समूह द्वारा बेचे जा रहे उत्पाद की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि सी मार्ट में अब तक 1,03,000 रुपए की सामग्री बेची जा चुकी है। इसका संचालन महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर कलेक्टर, SP, जिला पंचायत CEO सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सचिव ने समूह की महिलाओं से चर्चा कर उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें और अधिक उत्पाद बनाने के लिए प्रेरणा, ताकि महिलाएं स्वावलंबी बने। तो कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें मनेंद्रगढ़ विकास खंड के अंतर्गत संचालित सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्यकर्ता और सहायिका शामिल हुए। महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 46,660 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, साथ ही 5,814 मिनी आंगनबाड़ी है। वहीं इन आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग 1,00,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कार्यकर्ता कार्यरत है। इनका कहना है कि शासन द्वारा सौंपे गए सभी कार्य को आंगनबाड़ी केंद्रों में ईमानदारी से निर्वहन किया जा रहा है, लेकिन समय, श्रम और महंगाई के अनुरूप जो मानदेय और सुविधाएं दी जा रही वो बहुत कम है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शासन से अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि शिक्षा कर्मियों की तरह शासकीय कर्मचारी घोषित करना, पेंशन योजना, 25 वर्ष की बंधन मुक्त जैसे मांगों को जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा 6 जुलाई से उग्र आंदोलन संभव है। हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ से हैं। हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं, शिक्षा कर्मियों की तरह नियमितीकरण किया जाए, हम लोगों का तुरंत मानदेय में वृद्धि 21,000 की जाए, फंड एवं ग्रेजुटी दिलाया जाए, विभागीय प्रमोशन जो बिना परीक्षा के होते थे पहले उस तरीके से हम लोगों के प्रमोशन किया जाए जो पात्रता के आधार पर होते हैं, पेंशन दी जाए और मिनी केंद्रों को आंगनबाड़ी केंद्र घोषित किया जाए। ये हम लोगों की 6 हम लोगों की जो है मांगे हैं, इन्हीं मांगों को लेके हम
तो राजधानी रायपुर में होटल व्यवसायी द्वारा नाबालिग को होटल के कमरे में नग्न कर मारपीट मामले ने तुल पकड़ लिया है। गोल बाजार थाने के इलाके में 15 साल के आदिवासी बच्चे को मोबाइल चोरी के आरोप में निर्वस्त्र कर जमकर पीटा गया। इतना ही नहीं, नाबालिग से पूछताछ करने का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जिसके बाद बच्चे ने घातक कदम उठाते हुए दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। इसके बाद देर रात तक जब आरोपी होटल मालिक को गिरफ्तार नहीं किया गया तो भाजपा आदिवासी मोर्चा ने थाने का घेराव कर दिया और थाने के सामने ही बैठकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और होटल मालिक को रात में ही गिरफ्तार कर लिया। होटल सिटी पैलेस के मालिक सुभाष सोनी, उसके साथ ही श्रीधर राव के खिलाफ जेजे एक्ट, एसटीएससी एक्ट समेत कई अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।